क्या हुआ जब अचानक रात 2 बजे एक लड़की चुपचाप मंदिर में घुस गई, फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले और बाद में कई सारे चमत्कार देखने को मिले हैं, जिससे यह साबित होता है कि सनातन ही सत्य है। कुछ समय पहले कई जगहों पर गिद्धों का दिखना, कई जगह पर भालू का प्रकट होना, प्रभु श्री राम की मूर्ति के साथ एक वानर का चलना और साथ ही साथ मंदिर के गर्भगृह में वानर की मौजूदगी, कई ऐसे बड़े चमत्कार राम मंदिर में देखे गए हैं जो साक्षात प्रमाण देते हैं कि सच में कोई तो ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है। लेकिन दोस्तों, मुंबई में रहने वाले अमित और सुमन नाम दो पति पत्नी के साथ 24 जनवरी के दिन अयोध्या में जो हुआ उसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको इस बात का एहसास होगा कि सच में यह प्रभु श्री राम का ही चमत्कार है। आगे चलने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से 1100 राम नाम की भिक्षा मांग रहा हूं, तो जितना हो सके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करे। मेरे भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 22 जनवरी 2024 के दिन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इस दिन देश विदेश की कई बड़ी हस्तियां वहां मौजूद थी और जब सभी ने रामलला की उस मूर्ति को देखा तो उनकी प्यारी सी मुस्कान सभी के दिलों पर छा गई। जिस मूर्तिकार ने मूर्ति को बनाया उसका भी कहना था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति के भाव बदल गए हैं, मुस्कान बदल गई है, मानो मूर्ति के अंदर प्राण आ गए हो। इसलिए हिंदू धर्म में प्राण प्रतिष्ठा का महत्व होता है। इससे एक बात तो साबित होती है कि अयोध्या में साक्षात रामलला विराजमान हो गए हैं। 23 जनवरी 2024 से आम श्रद्धालुओं के लिए प्रभु श्री राम के द्वार खोल दिए गए और श्रद्धालुओं की लाखों की तादाद मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच गई और तकरीबन 5 लाख लोगों ने 23 जनवरी को रामलला के दर्शन किए। अमित और सुमन राम मंदिर जाना चाहते थे क्योंकि उनके पिता भी एक बहुत बड़े राम भक्त थे और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने कारसेवा में भूमिका निभाई थी। उनके पिता अपनी आंखों से राम मंदिर का निर्माण नहीं देख पाए, लेकिन अपने पिता की एक तस्वीर साथ में लेकर वह अपनी पत्नी और 6 साल की बच्ची के साथ मुंबई से अयोध्या रवाना हो गए। उनका मानना था कि इस फोटो के माध्यम से वो प्रभु श्री राम के दर्शन अपने पिता को कराएंगे। लेकिन अमित को इस बात का अंदाजा नहीं था कि 24 जनवरी के दिन और ज्यादा भीड़ राम मंदिर आने वाली थी। जब वे अयोध्या पहुंचे तो वाकई में अयोध्या का नजारा देखने लायक था। रेलवे स्टेशन पहुंचकर उन्हें महसूस हो रहा था मानो वे साक्षात देवनगरी में आ गए हो, क्योंकि त्रेतायुग में अयोध्या को देवताओं का नगर कहा जाता था। ऐसा कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम रूप में अवतार लिया और अयोध्या में जन्मे तो कई देवी देवता उनकी प्रजा बनकर अयोध्या में जन्मे और उनकी लीला को अपनी आंखों से देखा। जब प्रभु श्री राम सरयू नदी में समाहित हो गए तब सभी नगरवासी भी सरयू नदी में समाहित हो गए, क्योंकि वे सभी देवी देवता ही तो थे। जब अमित और सुमन ने अयोध्या नगर के भव्यता को देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं थी। इससे पता चलता है कि भारत में मंदिरों का कितना महत्व है। अगर किसी स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होता है तो वह शहर की प्रगति को साथ लेकर आता है, कई लोगों को रोजगार दिलाता है और साथ ही साथ उस शहर की प्रगति का माध्यम बनता है। ऐसे ही अयोध्या में जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हुआ था वैसे ही वहां पर प्रगति साफ तौर पर दिख रही थी। लेकिन जब अमित और सुमन अपनी 6 साल की बच्ची के साथ राम मंदिर पहुंचे तब वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ मौजूद थी। शाम का समय था और इधर उधर भगद मच रही थी। पुलिस प्रशासन जैसे तैसे भीड़ को काबू करने में लगा था, लेकिन भक्त प्रभु राम के इतने दीवाने थे कि वह तो किसी तरह बस एक झलक प्रभु रामलला के दर्शन करना चाहते थे। इस बीच अमित जी भी अपनी पत्नी और बच्ची के साथ लाइन में लग गए। तकरीबन 4 से 5 घंटे उन्हें लाइन में लगना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव बताते हुए कहा कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी
सभी भक्त एक दूसरे के साथ समन्वयता बनाए हुए थे। सभी के मन में राम बसे थे, इसीलिए सभी के अंदर राम सी मर्यादा आ गई थी। सभी भक्त शांतिपूर्ण तरीके से उस लाइन में लगे हुए थे और हमें 4 से 5 घंटे के पश्चात रामलला के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय रात्रि की शुरुआत हो चुकी थी। मैंने अपनी पत्नी और बच्ची के साथ रामलला के दर्शन किए और अपने पिता की फोटो को उन्हें दिखाया। ऐसा लग रहा था कि मानो आज मेरे पिता की आत्मा को शांति मिल गई हो, क्योंकि उन्होंने कार सेवा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि प्रभु श्री राम मेरे भक्ति की परीक्षा लेने वाले थे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ का माहौल होने के कारण रात्रि के समय मंदिर के अंदर नजारा बहुत भयानक था। चारों तरफ लोग ही लोग मौजूद थे और बात जब बाहर जाने की आई तो एक बहुत बड़ा जनसैलाब दर्शन करके मंदिर के बाहर लौट रहा था। इसी बीच अचानक से मेरी पत्नी सुमन का हाथ मेरी 6 साल की बच्ची जीविका से छूट गया, लेकिन भीड़ में उसे इस बात का आभास नहीं हुआ। हम प्रभु श्री राम का नाम जपते जपते मंदिर से बाहर आ गए और जब हमने देखा कि हमारी बच्ची हमारे साथ नहीं है तो हमारे भी होश उड़ गए। चारों ओर देखने पर केवल भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी और बच्ची का कोई अता पता नहीं था। हम चारों तरफ उसे ढूंढ रहे थे और हर किसी से उसके बारे में पूछ रहे थे। कई लोगों को हमने उसका फोटो भी दिखाया, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर वह कहां पर है। हम उसी जगह पर फुट फुट कर रोने लगे और चारों तरफ भटकते भटकते उसे ढूंढने लगे और देखते ही देखते तकरीबन रात के 12 बज गए। लेकिन हमारी बेटी का हमें कुछ पता नहीं चला था कि आखिर वह है कहां। फिर हम थक हार कर उस समय हनुमान गढ़ी मंदिर पर पहुंचे, जो कि अयोध्या राम मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हम अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढते ढूंढते अचानक ही हनुमान गढ़ी मंदिर पहुंच गए थे। जब हम वहां पहुंचे तब हमने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि प्रभु श्री राम के कार्य को पूरा करने के लिए आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और आज हम भी प्रभु रामलला के दर्शन करने आए थे, लेकिन हमारी बच्ची कहीं लापता हो गई है। हे पवन कुमार, हम आपसे विनती करते हैं, इसे प्रभु श्री राम का कार्य मानकर हमारी बच्ची का किसी न किसी तरह पता लगाइए। कुछ देर हम हनुमान गढ़ी मंदिर में बैठकर ही रोते रहे, बिलखते रहे। न कोई हमें सहारा देने वाला था और न ही कोई आंसू पोंछने वाला, लेकिन एक विश्वास था कि संकट मोचक हनुमान जी हमारे संकटों को जरूर दूर करेंगे। तभी उस स्थान पर एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हनुमानगढ़ी क्षेत्र में हमें एक बंदर दिखाई दिया जिसका मुख लाल था और उसके हाथ में एक रुमाल था। जब हमने उस रुमाल को ध्यान से देखा तो वह रुमाल हमारी बेटी जीविका का था, लेकिन सवाल यह था आखिर वह रुमाल उस बंदर के पास कैसे आया। अमित और सुमन के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अभी भी उनकी बेटी नहीं मिल पाई थी। वे इसे हनुमान जी का एक संकेत मान रहे थे, जिसके बाद उन्होंने उस बंदर का पीछा करना शुरू कर दिया और वे बंदर के पीछे पीछे चल दिए। उस बंदर का पीछा करते करते उन्होंने 1.5 किलोमीटर का सफर पूरा किया और वे फिर से अयोध्या राम मंदिर के दरवाजे पर पहुंच गए। रात्रि के समय दरवाजा बंद हो चुका था, अंदर जाने का कोई मार्ग नहीं था, लेकिन वह बंदर जीविका के रुमाल को राम मंदिर के दरवाजे पर छोड़कर चला गया। ऐसा लग रहा था मानो उनकी बच्ची मंदिर के अंदर मौजूद हो। अब अमित और सुमन के सामने इंतजार करने के अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। सुबह तक उन्होंने इंतजार किया, उन्हें प्रभु श्री राम जी से उम्मीद थी, संकट मोचक हनुमान जी पर भरोसा था। और जब प्रातःकाल प्रभु श्री रामलला के दरवाजे खोले गए तब तक वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ मौजूद थी। ऐसा लग रहा था कि इतनी भीड़ में आखिर वे अपनी बच्ची को कैसे ढूंढ पाएंगे। तब जैसे ही राम मंदिर का दरवाजा खुला तो अमित और सुमन के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अंदर मंदिर के पुजारी उस बच्ची को अपने हाथ में लिए हुए खड़े थे। उनका कहना था कि शायद यह बच्ची रात्रि से ही इस मंदिर में है, सुबह प्रातः दरवाजे खुलते ही हमें यह रामलला के गर्भगृह में मिली। ऐसा लग रहा था
कि साक्षात रामला इसके साथ खेल रहे हो और साथ ही में वहाँ एक बंदर भी मौजूद था जो हमें इससे मिलाकर कहीं अंतर्ध्यान हो गया। अमित और सुमन को अपनी बच्ची पुनः मिल चुकी थी, उनका विश्वास नहीं टूटा था बल्कि उनकी आस्था और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन प्रश्न अभी भी यही था कि आखिर उनकी 6 साल की बच्ची जीविका रात्रि के समय मंदिर में कैसे रह गई, क्या वह मंदिर के अंदर ही छूट गई थी या बाहर बहुत ज्यादा असुरक्षा होने की वजह से। ये हनुमान जी का चमत्कार था कि उन्होंने किसी तरह से उस बच्ची को रामलला के गर्भगृह में छोड़ दिया। जो भी हो, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार था कि एक माँ बाप को अपनी गुम हुई बच्ची प्रभु श्री राम जी की कृपा से पुनः प्राप्त हो गई। इसके बाद वे पुनः मुंबई के लिए रवाना हो गए और अपने साथ घटी इस घटना के बारे में उन्होंने सभी को बताया। सबका एक ही कहना था कि जिस शहर में प्रभु श्री राम का निवास हो और जिसके रक्षक स्वयं हनुमान हो, ऐसे स्थान पर किसी भी प्रकार का भय की क्या जरूरत है। दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी को जय श्री राम।